फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको चने के साग का पकोड़ा, जिसमें मैंने चने का साग लिया है एक कटोरी, इसी में मैंने थोड़ा सोया काटा था 50 ग्राम, थोड़ी सी धनिया, थोड़े से हरे पत्ते लहसुन के कट कर दिया है। इन सब चीजों को आप मिक्स कर लीजिए कट करके। मैं इसमें छोटे चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम मसाला यूज करेंगे, एक छोटे चम्मच। मैं सौंठ दालचीनी का पाउडर यूज कर रही हूँ, 1/4 ऑफ द टेबल स्पून स्मॉल साइज। थोड़ा सा मैं इस पकोड़े में टेस्ट बढ़ाने के लिए तिल डाल दूंगी और नमक डालकर हम इसे मसल लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें कुटवा चटनी बना रखे हैं, अगर हो तो आप डाल दीजिए अपनी चटनी, ताकि फ्लेवर इसका अच्छा हो। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद हम बेसन यूज करेंगे। बेसन की क्वांटिटी आप 100 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। पहले आप इस तरह मिक्स करके चेक कीजिए, उसके बाद पानी ऐड कीजिए। मैंने एक चम्मच कुटवा चटनी डाला है, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, 1/4 ऑफ द कप। आप धीमे धीमे डालिए, आपको जितनी क्वांटिटी जरूरत हो उतना डालिए। आप इसे मुठिया का रूप भी दे सकते हैं, पकोड़े के रूप में भी तल सकते हैं। पहले इसे पुराने समय में जूरी के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था हरे चने की जूरी। और आप इसे मुठिया के रूप में भी बना सकते हैं, अगर मुठिया बनाएंगे तो उसका शेप मूठे जैसा देंगे, और अगर पकौड़ी बनाएंगे तो थोड़ा सा इसे और पतला कर लीजिए। हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे, ताकि हम पकौड़ी के रूप में इसे बना सकें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और कढ़ाई में ऑयल गर्म होने को रखेंगे। तेल को चेक कर लिया, हमारा तेल गर्म हो गया है। हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालेंगे। इसी तरह आप प्याज की पकौड़ी भी बना सकते हैं। जाड़े का दिन है, आपको काफ़ी हरे साग मिलेंगे और ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी पकौड़ी होगी। सिर्फ सोया से भी बना सकते हैं। मैंने इसे सोया, धनिया और सब चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। साग की पकौड़ी को हमें करारा सेकना होगा और इसे धीमे धीमे हम हिलाते हुए सेकेंगे, ताकि ये पूरी तरह अच्छे से सिक जाए। इसे सिकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। हमारे पकौड़े तल चुके हैं, अब धीमे धीमे हम इन पकौड़ों को निकाल लेंगे। इसे थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। हमारा पकोड़ा सर्विंग के लिए तैयार है, अब मैं इसे सर्व करूंगी। अब मैं अपने बाकी पकोड़ों को भी तलने के लिए ऑयल में डाल दे रही हूँ। मैंने इसे बनाने के लिए सरसों का तेल यूज किया है, और आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। मैंने हरे चने के साग के पकोड़े, इसमें सोया, हरा लहसुन का यूज किया है, और कुटवा चटनी भी मैंने पकोड़े में डाला था और अलग से भी सर्व किया। अगर आपको हमारे हरे चने की जूरी या पकोड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ या क्राफ्ट के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।